अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स एक नाम है बहरिया टाउन के अंदर। बहरिया टाउन कराची में मैं मौजूद हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। दोस्तों, बहरिया के अंदर हाई राइज बिल्डिंग के काफ़ी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सारे प्रोजेक्ट जो आपको मिलेंगे डिलीवर होंगे। उम्मीद तो ये है कि काफ़ी प्रोजेक्ट जो है डिलीवर किए जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कैलिफोर्निया बिल्डर जो एक ऐसा नाम है जिसने बहुत ही कम वक्त में ना सिर्फ ये कि प्रोजेक्ट की बुकिंग की बल्कि खड़ा करके दिखाया। और इसके हाई राइज के इस वक्त तकरीबन 12 के करीब प्रोजेक्ट हैं जो कि बहरिया टाउन कराची में मौजूद है और टॉप पे जो डिलीवर करने में इनका एक नाम है। ये वो बिल्डर या ये प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसमें आप बुकिंग करके बैठे हुए और साला साल अरसा गुजर गया लेकिन आपको बिलाखिर वो डिलीवरी नहीं मिल सकी, पोजीशन ना मिल सकी है। काफ़ी तेज़ काम चल रहा है और मैं समझता हूँ कि अच्छे नामों में से एक नाम है कैलिफोर्निया का, और यही वजह है कि हम अच्छे लोगों के अच्छे प्रोजेक्ट को और लीगल प्रोजेक्ट को हम ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने चैनल पे कवर करें। और साथ साथ वो प्रोजेक्ट जिनको हम समझते हैं जिसमें अच्छे हैं, हम खुद भी रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें से ही एक प्रोजेक्ट है। तो मेरे साथ हैं साजिद सुल्तान साहब जो कि करता धरता हैं हमारे इस बिल्डर के कैलिफोर्निया के। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है ड्रेस मॉल, ड्रेस मॉल के बारे में बताएँगे। अच्छी बात ये है कैलिफोर्निया की कि मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट बने मुख्तलिफ सेगमेंट के हिसाब से बनाया है। कहीं इन्होंने डॉक्टर्स मेडिकल के हिसाब से प्लाजा कर दिया, इसी तरह और भी इन्होंने बनाए हैं। तो ये ड्रेस है तो फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन के हवाले से, बैग्स के हवाले से और वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं जिसके तफसील ये बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। जी साजिद साहब, बताइए ज़रा इसके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम इंतखाब साहब। इंतखाब साहब बिल्कुल आपने बजा फरमाया और हम आज एक ऐसे मौके पर मौजूद हैं कि आज हमारे इस प्रोजेक्ट को जो है प्रॉपर इसकी डिज़ाइन और सारी चीज़ें वो फाइनल हो चुकी हैं और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह आज शाम जो है या कल तक इंशाल्लाह यहाँ पर सारी मशीनरी मूव कर जाएगी और यहाँ पर जो है डिटेल में जो है ना यहाँ पर डिगिंग का और पाइलिंग का एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सो उन तमाम लोगों ने जिन्होंने इंतज़ार किया अब तक, उनकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है और बड़े एक राइट टाइम के ऊपर हम यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हम एक अपडेट इनको आज दे रहे हैं कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर कंस्ट्रक्शन की एक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है जो कि एक लॉन्ग अवेटेड जो है एक प्रोसेस था और उसमें से बहुत सारे लोगों ने वेट किया। सो इस प्रोजेक्ट के हवाले से अगर मज़ीद हम एक्सप्लेन करते हैं तो ड्रेस मॉल बेसिकली फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत प्रीमियम अपॉर्चुनिटी मैं उसको कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मिक्स मैच के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और मेरे ख्याल से वहाँ पर हर एक इंडस्ट्री की अपनी असलियत खो जाती है। बेसिकली अगर चार दुकानें मोबाइल की हैं, पाँचवीं दुकान जो है कपड़े की है, चौथी दुकान शूज़ की है, फिर बीच में कोई एक, तो वो सारा मिक्स हो जाता है। मगर जब आपको फैशन इंडस्ट्री के हवाले से आपको ईद की शॉपिंग करनी है, आपको सीजनल शॉपिंग करनी है, आपने अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, सो आपके लिए एक ही वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, वो होगा ड्रेस मॉल, जहां पर आपको गारमेंट्स हो गए, शूज़ इंडस्ट्री के जितने ब्रांड्स हो गए, इसके अलावा आपका कॉस्मेटिक्स हो गई, ज्वेलरी हो गई, तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन और एक ही छत के नीचे आपको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। फिर इसके लोकेशन को अगर हम मज़ीद हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर बहरिया टाउन कराची की सबसे ज़्यादा आबादी इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर 26 टावर्स हैं जो कि इस वक्त जो है इस जिसमें 24 टावर्स फुली ऑक्यूपाइड हैं, यहाँ पर रेजिडेंट्स रह रहे हैं, तो उन तमाम लोगों की ऑब्वियसली ज़रूरियात होंगी कपड़े के लिहाज से और इन तमाम चीज़ों के लिहाज से, तो उनके सबके लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सोल्यूशन आने वाला है। सो ये मैं इस लोकेशन नासिर वाकई बहुत अच्छी है, शानदार है, इसलिए कि जो बहरिया के जो टावर्स हैं, बहरिया अपार्टमेंट्स हैं, वो बिल्कुल इसके साथी हैं और बताया कि इस वक्त तब तब आबाद हो चुके हैं। साथ साथ जो है और भी दो तीन चीज़ें बताएं जो लोकेशन को। जी डेफिनेटली आपको मैं ये जस्ट हम अगर गेट से देखें तो टोटल 2 किलोमीटर का फासला है मेन गेट से, अगर आप इसको गूगल भी कर लेंगे। प्लस इसके अलावा ये प्रीसेंट 19 के में है और ये बेसिकली डेंजू कमर्शल का प्लॉट नंबर
20 है जिसके ऊपर ड्रेस मॉल इस वक्त बन रहा है, और बिल्कुल ये यहाँ पर रोड वन के टी जंक्शन के बिल्कुल इसके सामने ये बन रहा है। तो इस वजह से जो है इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त है, वो जो है ना उस वजह से ये बहुत ईजीली जो है ना ये एक्सेसिबल है। प्लस इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस लोकेशन के ऊपर इसके बैक साइड पर डेंजू है, इसके साथ फार्म हाउसेज हैं और बहुत सारे बहरिया की जो मेन लोकेशंस हैं वो इस लोकेशन के ऊपर हैं। सो इस वजह से जो है यहाँ पर ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो सकती है। प्राइसेस के हवाले से बताएं ज़रा थोड़ा, प्राइसेस के हवाले से। प्राइसेस यहाँ पर जो मिडिल क्लास हैं या वो लोग जो कि ज़्यादा बजट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 18-20 लाख से जस्ट 18-20 लाख, और वो भी इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर वो जो है यहाँ पर आप किस्तें पे कर सकते हैं। तो 18-20 लाख से लेकर 50-60 लाख तक आपको एक ईजी इन्वेंट्री यहाँ पर मौजूद हो वो आपको मिलती है। दोस्तों ये था ड्रेस मॉल के बारे में आपको मालूमात। तो दोस्तों साथ रहिए, इंशाल्लाह ताला फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी। बहरिया टाउन के इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।